नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस खबर में दो अलग अलग खबर है। एक खबर जुड़ी हुई है क्राइम से, तो दूसरी जुड़ी हुई है एक सामाजिक मामले से। बात करें क्राइम की खबर की, तो क्राइम में आप जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि एक दुकान में लूट का प्रयास हो रहा है। यह घटना कल शाम की है, विरार की है। और इस घटना में ये जो महिला सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है बुरके में, इस महिला ने विरार के ग्लोबल सिटी की देवनारायण ज्वेलर नामक दुकान पर नकली बंदूक के नोक पर दुकानदार से लूट की कोशिश की। हालांकि दुकानदारी की चतुराई से ये महिला पकड़ी गई और दुकानदार को लूट संभावित जो लूट होने वाली थी, दुकानदार उससे बच गया। इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से महिला दुकान में घुसती है, और यह तो काफी छोटा क्लिप है, लेकिन ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आई कि महिला ने दुकान में काफी समय व्यतीत किया और अंत में जाकर इस तरह से लूट अंजाम देने की कोशिश की। इस 37 सेकंड के वीडियो के बाद दूसरा वीडियो जिसकी हम बात करें, सामाजिक विषय, यह वीडियो है मीरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना हसनाले का, जो कि इस वीडियो में रोते हुए दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मीरा भाईंदर की प्रथम महिला क्यों रोई। तो यह मौका था मीरा भाईंदर के एक पत्रकार राजेंद्र कामले उनके निधन पर शोक सभा आयोजित की गई थी। उस शोक सभा में जब महापौर मैडम उन कुछ बोलने के लिए उठी, तो उनका गला भरा और रोने लगी। कहीं ना कहीं देश भर में आज पत्रकारों के खिलाफ एक माहौल सा बना हुआ है। पत्रकारों के ऊपर हमले होते हैं, पत्रकारों के खिलाफ मामले, झूठे मामले दर्ज होते हैं, पत्रकारों को हीन नजर से देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह वीडियो जो है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मीरा भाईंदर की महापौर का, यह वीडियो एक अलग संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो ने यह जाहिर कर दिया है कि प्रशासन चाहे तो पत्रकारों को भी सम्मान मिल सकता है। मीरा भाईंदर से काफी नजदीक वसई विरार है, जहां से हम भी बिलोंग करते हैं। यहां पर पत्रकारों के लिए क्या है सभी को मालूम है। पत्रकारों को क्या इज्जत दी जाती है, पत्रकारों को क्या सम्मान दिया जाता है, यह सभी जानते हैं। हालांकि मीरा भाईंदर में अभी इस समय जो महापौर मैडम ने श्रद्धांजलि सभा में सम्मान दिया, ऐसा ही सम्मान उम्मीद करते हैं कि जो बाकी जीवित पत्रकार है उनको भी मिले। तो ये दोनों खबर हमने आपको दिखाई। खबर कैसी लगी? अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।